तो दोस्तों आज पहुंच गया हूं औरंगाबाद हाईवे पे। यहां पे आप देख सकते हो जस्ट बगल में जेपी लाइन होटल है। होटल के करीब में ही बकरी के बच्चा वाले आए हुए हैं। बहुत दिनों बाद बहुत सारे लोगों का इंतजार रहता है कि जैसे ही सीजन चालू हो या फिर हम बकरीद के लिए या फिर हम पालने के लिए अपना बकरी फार्म करने के लिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो एक भाई है जो यूपी के रहने वाले होते हैं और राजस्थान से बकरी का बच्चा यहाँ पे आप सामने जो देख पा रहे हैं लेकर आते हैं और यहाँ पे हर जगह एरिया बाय एरिया, जैसे अगर बिहार के आप भागलपुर साइड से हो या झारखंड में किसी एरिया से हो, यूपी में बनारस साइड से हो, तो कहीं पे भी पहुंचाकर इस पिकअप से देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिकअप। तो हर जगह अगर आप लगभग 10 से 20 बच्चा लेंगे तो ऑर्डर पे फोन से आपको बच्चा पहुंचाकर दिया जाएगा। कैसे केजी होगा, कैसे आप पाल सकते हो, पूरा डिटेल्स के साथ इनके ऑनर से मिलवाकर पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो विजय भाई हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हो आप? बढ़िया हो? कितने दिन से ये बिजनेस को शुरू कर दिया आपने? अभी इस सीजन में? इस सीजन में अभी आया, दूसरा चक्कर आया। दूसरा चक्कर आया क्योंकि काफी ठंड में दिक्कत होता है बच्चा बकरी का पालना, तो इस सीजन में आप दूसरा चक्कर आए हो। 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। आप कितने दिन तक रहोगे? अभी तो काम चलेगा जून तक, जून जुलाई तक, मतलब बारिश तक चलता रहेगा। ओके, कहाँ कहाँ जाते हो आप? हमारा माल जाता है रांची में, धनबाद में और पटना, कहीं से भी आ जाओ आप। कितना बच्चा होगा तो पहुंचा कर देंगे? कम से कम 40 बच्चा। 40 बच्चा पहुंचाने कम से कम, और 10-20 चाहिए तो एरिया बाय नहीं पहुंचा पाएंगे? एरिया में तो पहुंचा देंगे, आना पड़ेगा वहां पे। कहां से लेकर आ रहे हैं आप? राजस्थान से। और किस रास्ते से आते हैं? हम लोग बनारस से मोनिया होते हुए आते हैं, बनारस होते हैं। और ये इधर से कहां जाएंगे अभी? अभी रांची जाएगा माल। रांची जाएगा? रांची में कहां पे? रांची में बहुत सी जगह है, जहाँ का ऑर्डर आ जाए वहाँ चल जाएगा। अभी कहीं पे इकट्ठा रखते नहीं है? नहीं, इकट्ठा कहीं पे नहीं। ये जो मैं बच्चा देख पा रहा हूँ ये कितने केजी का है? केजी क्या होता है, कितने से कितना केजी तक? 14 केजी से 20 केजी तक। क्या केजी दे रहे हैं इस समय? 450 रुपए केजी चल रहा है। 450 रुपए केजी? इतना महंगा क्यों? ऐसा क्या महंगा आ रहा है? इसका पेंटिंग बकरी का कीमत मालूम है 25,000 रुपए का है। अगर वो पेंटिंग बकरी चाहे तो उसको पहुँचा देंगे, 20-25-30 बकरी जिसको दूध वाली चाहिए तो पहुँचा कर भी देंगे आप? 20-25 बकरी कम से कम, 20-25 बकरी लेना होगा। ओके, आप इतना महंगा कब से, ये इस बार से महंगा हुआ है? से ज्यादा महंगा हो गया। सस्ता होने का चांस अब नहीं है, कोई सस्ता होने का चांस। तो 14 केजी का बच्चा लेगा तो लगभग कितने का हो जाएगा वो? ये ऐसा हो जाएगा लमसम 6,000 का। 6,000 तक, मतलब एक बच्चा लगभग 6,000 तक मिलेगा। 6,000 पहुँचाने का खरीद वहाँ रहे हो जो आप, जहाँ से आप बकरी खरीद कर ला रहे हो वहीं से महंगा आ रहा है? वहीं से महंगा, देख रहे हर चीज का तो महंगाई हो गया। मेल फीमेल दोनों, यानी पट्टी पट्टा दोनों दोनों का वही केजी? दोनों एक ही रेट है। ओके, मैं चाहूंगा कि एक आध को उठाकर दिखाया जाए। अंडुल क्या हुआ रहता है, खस्सी रहता है? अंडुल रहता है, अंडुल रहता है। कितने दिन बाद इसको खस्सी करना होगा? ये 15 केजी का। 15 केजी का होगा। ओके, ये खस्सी है, कितने दिन बाद अंडुल हो जाएगा? ये अंडुल है अभी, ये खस्सी हो जाएगा एक महीने में। एक महीने बाद इसको खस्सी बनाना होगा? बनाना होगा। अगर पालते हैं हम लोग तो ब्रीडर कितने दिन बाद बन जाएगा ये? ब्रीडर ये 3 महीने बाद पाल देने लगेगा। 3 महीने बाद देने, वजन पे डिपेंड करेगा? वजन पे डिपेंड करेगा। कितने दिन का बच्चा रहता है ये सब? ये अभी समय 3 महीने का, 3 महीने बाद ये पाल देने लगेगा। 3 महीने के बाद पाल देने लगेगा। यहाँ जो हमारे एरिया में बिहार में जो हरा चारा होता है, जैसे ये खा रही है, ये सब खाने से इनको कोई दिक्कत नहीं होता? आप क्या क्या खिला कर ला रहे हो इनको? यही सब खा के आता है, पाला पत्ता, चूनी चोकर, कुटी दरा, ये सब खाता है, गेहूँ खाता है, अच्छे से सब कुछ खाएगा। बहुत सारे ऐसे नए होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, बकरी तो ले लेते हैं लेकिन मर जाता है, ये शिकायत होता है, क्या करना पड़ेगा उनके? माड़ भात नहीं देना है। और आदमी यहाँ बिहार में आपके क्या है, ले जाएंगे खस्सी को माड़ भात पहले पिला देते हैं। ओके, माड़ भात नहीं पिलाना है, इसको मेथी दाना खिलाना है। मेथी खिलाना है? मेथी, सुकल मेथी आता है उसको पहले खिलाना है। ओके, कम से कम 1 हफ्ता तक मेथी से गर्म रहेगा? गर्म रहेगा, उसका थकान भी कम दूर हो जाएगा, बुखार भी दूर हो जाएगा। ओके, यहाँ का आदमी बिहार का आपका जो है माड़ भात पहले पिला देता है तभी मर जाता है वो। माड़ भात नहीं खिलाना है, उसके बचत रखना है। ओके, ये जहाँ पे यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ आपका इतना सारा बच्चे में, कौन सा नस्ल में है इसमें? सिरोही है, सोजत है, बीटल है, तोतापरी भी है। तोतापरी का और है आपके पास? हाँ है, तो मैं चाहूंगा देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरी और बर्बरी का क्रॉस ब्रीड है, कलर इसका पूरा बर्बरी टाइप का आया है, कान भी छोटा देखने मिल रहा है लेकिन कान इसका नीचे की ओर है, बर्बरी का कान खड़ा होता है, तो क्रॉस ब्रीड बोल सकते हैं आप इसको।
और यहाँ पे बहुत सारे नस्ल है, यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपको। ज्यादातर छोटे कान वाले जो होते हैं गुजरी बोलते हैं ना सर, गुजरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तोतापुरी का क्रॉस ब्रीड। कितने दिन का बच्चा होगा ये? 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने का बच्चा है। वजन में? वजन में 16 केजी है। 16-17 केजी लगभग होगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो के अंदर इनका नंबर दे दिया हूँ, ताकि आप इनसे अगर कोई भी भाई शौक रखता है बकरी पालन का, जैसे कि मैं तो बकरी से काफ़ी परेशान रहता हूँ, आप मेरे फार्म पे देखते ही हो, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बकरी की वजह से मेरा काफ़ी लॉस होता है। लेकिन शौक ऐसा चीज़ है जिसको मानता नहीं है, कैसा ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको इनका 4-व्हीलर दिख रहा होगा, यूपी नंबर। ये अपना हर जगह जाते हैं और पहुँचा कर देंगे अगर किसी तरह का चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कौन सा ब्रीड है, ये सिरोही क्रॉस, सिरोही का क्रॉस ब्रीड है। सिरोही का क्रॉस ब्रीड ज़्यादातर देखने मिलता है, और सिरोही है ना, अगर हम बिहार में पालते हैं तो सिरोही ज़्यादातर मानने की चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 450 रुपये केजी इनका कहना है, अगर आप ज़्यादा भी लेते हैं तो कंप्रोमाइज़ करके ले सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो छोटा सा, कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।